संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 3 राज्यों के जीत पे बीजेपी नेताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए। सदन की कार्यवाही से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बातचीत की। 4 राज्यों के परिणामों पर प्रधानमंत्री ने कहा, देश के भविष्य को समर्पित है नतीजे। प्रधानमंत्री मोदी की विपक्ष को नसीहत, कहा, हार का गुस्सा संसद में मत निकालिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को संदेश दिया, कहा, सकारात्मक विचार लेकर आए संसद। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। 7 नवंबर को हुआ था मतदान। काउंटिंग के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। 13 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से मतगणना। मतगणना के बीच चर्च पहुंचे सीएम जोरमथंगा, प्रार्थना की। मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिए हो रही मतगणना। मिजोरम नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। मतगणना के रुझानों में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को बहुमत, राज्य में बहुमत का आंकड़ा 21। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में चक्रवात पिचाऊ का खतरा। 3D तस्वीरें सामने आई। चेन्नई के कई हिस्सों में तेज बारिश, सड़कों पर जलभराव। तमिलनाडु के कांचीपुरम में जबरदस्त बारिश, सड़कों पर भरा पानी। तमिलनाडु में प्रशासन का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। 5 दिसंबर को नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है तूफान। IMD के अनुसार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। 12,000 हॉर्स पावर की ताकत के साथ हजारों टन वजन लेकर पटरी पर दौड़ता है भारतीय रेलवे का बाहुबली। दुनिया के चुनिंदा देशों के पास इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बैक 12B जितनी ताकत। जम्मू में कल्पना कला केंद्र का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा शामिल हुए। सूरत में सूरत स्नेह सम्मिलन कार्यक्रम का आयोजन। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने शिरकत की। देहरादून में 3rd उत्तराखंड लोक विरासत 2023 का आयोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। इसराइल और हमास के बीच जारी है जंग। संघर्ष के बीच इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तैयार किया नया प्लान। IDF गाजा को कई हिस्सों में बांट रही है, विदेशी मीडिया का दावा है। इजरायली सेना हमास के आतंकियों को कर रही है अलग थलग। आखिरी हमले की तैयारी में IDF। IDF ने बनाई ब्लॉक्ड स्ट्रैटेजी, साउथ गाजा पे है इजरायल का फोकस। लेबनन की तरफ से इजरायली शहरों पे बड़े हमले, लेबनन दाग रहा एंटी टैंक मिसाइलें।